सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। बचपन से लेकर स्कूल कॉलेज कम्पिटिटिव एग्जाम तक हम सब लोग लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग ये 4 बेसिक स्किल्स में बेहतर बनते हैं और सक्सेस भी मिलाते हैं, पर एक छोटी सी गलती करते हैं। अब आप कहोगे क्या, तो वो गलती है कि कोई गलती नहीं है, पर एक गलती है, नो शेयरिंग नॉलेज। मतलब आप नॉलेज शेयर नहीं करेंगे तो आपको न्यू नॉलेज कैसे मिलेगा। तो आज का ये वीडियो इसी टॉपिक पर है। अगर आप YouTube के यूजर हैं तो आपने YouTube पर क्विक सपोर्ट YouTube चैनल, ये बुक YouTube चैनल, सीकेन YouTube चैनल और द विल पावर स्टार YouTube चैनल का नाम तो जरूर सुना होगा, और उन सभी YouTube चैनल्स के वीडियोस भी आपने देखे होंगे। तो आपने कभी अपने मन में सोचा होगा कि आप क्विक सपोर्ट YouTube चैनल, ये बुक YouTube चैनल, सीकेन YouTube चैनल और द विल पावर स्टार YouTube चैनल जैसे सभी YouTube चैनलों से प्रेरित होकर अपना खुद का YouTube इक्वल्स वॉयस ओवर चैनल बना सकते हैं। वैसे आप अपनी आवाज से मोटिवेशनल वीडियोस, गेमिंग वीडियो, इंस्पायरिंग स्टोरीज, फनी वॉइस ओवर वीडियोस भी बना सकते हैं और उन वीडियोस को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड भी कर सकते हैं और पैसे भी कमा सकते हैं। सो हेलो डियर सब्सक्राइबर्स, वेलकम टू माय चैनल अमेजिंग प्रोडक्शन। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे टिप्स बताने जा रहा हूं जो आपके काम आएंगे। सो टिप नंबर 1, राइटिंग योर ओन स्क्रिप्ट एंड स्टोरी। अगर आप अपनी आवाज को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आपको पहले से कुछ स्क्रिप्ट राइटिंग या स्टोरी राइटिंग करना होगा, और इससे आपको ये फायदा होगा कि आपको अपना हर वाक्य समझ में आ जाएगा और आप अपनी स्क्रिप्ट और स्टोरी को भी अपने हिसाब से ढाल सकते हैं। टिप नंबर 2, प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ मिरर। इससे पहले कि आप अपनी आवाज को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करें, आपको अपनी स्क्रिप्ट या कहानी की प्रैक्टिस एक मिरर के सामने खुद को देखकर करना होगा, और वह भी तब तक जब तक आपकी आवाज और उच्चारण स्पष्टता, परिपूर्णता और स्पष्ट आवाज और स्पष्ट उच्चारण आपको स्पष्ट रूप से सुनाई ना दे। तब तक आपको एक मिरर के सामने खुद को देखकर आपको अपनी स्क्रिप्ट या कहानी की प्रैक्टिस करनी होगी, और इससे आपको ये फायदा होगा कि आपको अपना हर वाक्य अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप अपनी स्क्रिप्ट और कहानी को बिना डरे अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर पाएंगे और एक अच्छा इम्प्रेशन भी बना पाएंगे। टिप नंबर 3, ब्रीद इन ब्रीद आउट एक्सरसाइज। ब्रीद इन ब्रीद आउट एक्सरसाइज आपको ये एक्सरसाइज भी करनी है जिससे आप अपनी आवाज और उच्चारण को साफ सुन पाएंगे और आपकी आवाज और लहजा भी दर्शकों को साफ सुनाई देगा, और इससे आपका तनाव कम हो जाएगा और आप बिना डरे आत्मविश्वास के साथ आप अपनी आवाज को अच्छे से रिकॉर्ड कर पाएंगे। इन 3 टिप्स को जानने के बाद और इन 3 टिप्स को नियमित रूप से लगातार फॉलो करने के बाद आपको अपने अंदर थोड़ा सा बदलाव नजर आएगा, और ये 3 टिप्स देखने के बाद अब हम अपने अंतिम टिप की ओर बढ़ते हैं जो इस वीडियो का टाइटल भी है। सो लेट्स गो। टिप नंबर 4, पोस्ट योर वॉइस ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। टाइटल देखकर आपको पता चल ही गया है कि आपको क्या करना है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप वॉइस ओवर वीडियो बनाकर YouTube, Instagram, Facebook जैसे 3 सोशल मीडिया एप्स पर अपनी आवाज अपलोड कर सकते हैं। पर मैं आपको एक छोटा सा सुझाव और सलाह देना चाहता हूं कि आप Instagram, Facebook, इन 2 सोशल मीडिया एप्स की जगह YouTube सोशल मीडिया ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं और एक वीडियो बना सकते हैं और उस वीडियो को YouTube पर अपलोड और शेयर कर सकते हैं, और YouTube से आप अपना खुद का ब्रांड बना सकते हैं और आप अपना खुद का ब्रांड लॉन्च भी कर सकते हैं, और आप एक अच्छा नेम, फेम, रिस्पेक्ट एंड मनी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो देर किस बात की है, एक यूट्यूबर के रूप में अपनी YouTube यात्रा शुरू करें। सीकेन YouTube चैनल और ये बुक YouTube चैनल जैसे वीडियो न बनाएं, इसमें बहुत समय लगता है, और यदि आप अपनी YouTube यात्रा शुरू करना चाहते हैं तो आप क्विक सपोर्ट YouTube चैनल से प्रेरणा लेकर उनसे भी बेहतरीन वीडियोस बना सकते हैं। और अब आप मन में सोच रहे हैं कि ये सब कैसे संभव है, तो चिंता मत कीजिए, खुश हो जाइए, क्योंकि इन 4 एप्स का इस्तेमाल करके आप अपना वॉइस ओवर वीडियो YouTube सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि उन 4 स्मार्टफोन ऐप्स का नाम क्या है, तो पहला ऐप है प्लॉटगन स्टोरी ऐप। ये स्मार्टफोन एनिमेशन ऐप है जो आपको गूगल प्ले स्टोर पर आसानी से अवेलेबल हो जाएगा, और वहां से आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और इस ऐप को कैसे इस्तेमाल करें इसके कई वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो दूसरे स्मार्टफोन वीडियो एडिटिंग ऐप का नाम है मास्टर प्रो। अब आप सोच रहे होंगे कि किनी मास्टर प्रो ऐप इस ऐप को कैसे डाउनलोड करें और कैसे इस्तेमाल करें, इस बारे में कई सारी वीडियोस यूट्यूब पर उपलब्ध हैं, और किनी मास्टर प्रो इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। तो तीसरे स्मार्टफोन थंबनेल एडिटिंग ऐप का नाम है पिक्सल लैब। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है, और वहां से आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और इस ऐप का उपयोग कैसे करें इसके बारे में कई सारी वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं।
हमारे चौथे ऐप पर जिसका नाम है लेक्सस ऑडियो एडिटर ऐप, जो गूगल प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है और वहां से आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और इस ऐप का उपयोग कैसे करें इसके बारे में कई सारी वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। और इन फोर ऐप्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और अगर आप वॉइस ओवर वीडियो बनाना चाहते हैं तो आपको बेस्ट कॉलर माइक की जरूरत होगी, तो आप बेस्ट कॉलर माइक को फ्लिपकार्ट, अमेज़न, मीशो इन तीन ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स में से किसी भी एक ऑनलाइन शॉपिंग ऐप से खरीद सकते हैं। और अगर आपके पास बेस्ट कॉलर माइक नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप हेडफोन से भी एक अच्छी वॉइस क्रिएट कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट, अमेज़न, मीशो इन तीन ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स में से किसी भी एक ऑनलाइन शॉपिंग ऐप से हेडफोन्स को खरीद सकते हैं। तो वॉइस ओवर वीडियो बनाने के लिए फ्री कॉपीराइट वाले वीडियो फुटेजेस की जरूरत होती है, तो इसके लिए आप इन दो वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और YouTube वीडियो बहुत प्रभावी और आकर्षक बना सकते हैं और अधिक सब्सक्राइबर प्राप्त कर सकते हैं। हे गाइस, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बताएं। और अगर आपके पास कोई सजेशन या फिर आपके पास कोई भी टॉपिक है तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। और हमारी न्यू वीडियोस देखने के लिए हमारे अमेजिंग प्रोडक्शन चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।